चाबी ऑन करते ही हाय बड्डी करके आता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूलर राइडर। फ्रेंड्स होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मेरी तरह, और फ्रेंड्स अच्छे ही रहना क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल COVID-19 का कितना असर फैला हुआ है, खास करके जो अपने एशियन कॉन्टिनेंट में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत ही इन्फ्लुएंस फैल चुका है इसका, सैकड़ों जाने जा चुकी है। तो इसका प्रिकॉशंस यही है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है, प्रॉपरली हैंड वॉश करना है, और जो आपकी डेली टू डेली नीड्स की ज़रूरतें हैं वो अगल बगल की दुकानों से ही खरीदना है, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना। तो यही चीज़ें हैं जो इसका प्रिकॉशंस है, और अभी तक किसी कोई दवाई तो बनी नहीं है, और जो 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है तो उसको फॉलो करें, घर में ही बैठे रहें, तो इसको रोकने का बस यही एक उपाय है। तो हम भी क्या उस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और इसी बीच हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दें। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं यमहा R15 YZF V3 BS6 मॉडल, इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, जो BS4 मॉडल था और जो BS6 मॉडल है इसमें क्या चीज़ें चेंजेस हैं, स्लाइटली चेंज है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के ज़रिए। एक एक करके मैं इसका आपको फ़ीचर्स बताता हूँ। इसमें क्या है जो हल्का सा चेंजेस है वो सिर्फ BHP और टॉर्क का डिफरेंस है। BS4 मॉडल था उस वो 19.6 BHP था एट द रेट 10,000 RPM, और टॉर्क 14.7 था, और इसका जो है वो रिड्यूस किया है 0.7 से, दोनों में 0.7 रिड्यूस किया है। अभी इसका BHP 18.3 है एट द रेट 10,000 RPM, और टॉर्क की बात करें तो 14.1 है। तो यही इसका स्लाइटली डिफरेंस है, और बाकी जो ग्राफिक्स है, जो ग्राफिक्स आपको दिख रहा है इसका हल्का सा चेंजेस है। तो सबसे पहले मैं आपको टायर के बारे में बता दूं, इसका जो टायर साइज 140mm का टायर है, काफ़ी ब्रॉडनेस टायर में है, इसकी ग्रिपिंग भी बहुत बढ़िया है, MRF के टायर्स लगे हैं इसमें, MRF रेव्स एस जो टायर का नाम है, रेडियल टायर है, और ट्यूबलेस भी है। जो इसका एलॉय व्हील है वो ब्लू इन कलर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक चीज़ इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो ये इसका बल्ब है, इंडिकेटर बल्ब, ये बल्ब पैटर्न पर है, तो ये सिर्फ इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और जो ये टेल लाइट है, टेल लाइट तो बहुत ही बढ़िया है, LED टेल लाइट है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने। एज़ पर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस ये जो सारी गार्ड आपको दिख रहा है ये, तो क्या ये एक लेडीज़ के लिए एक प्रोटेक्टिव चीज़ है ये, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इसमें दिया है। जो R1 आती है इसकी, यमहा की R1000cc, उसका सेम पैटर्न ये दिया है, है तो फाइबर का ही लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। और सीट की बात करें हम तो सीट स्प्लिट सिस्टम सीट है, दो भागों में बटा हुआ है, इजीली यहाँ से ओपन हो सकता है ये। डिस्क ब्रेक की बात करें हम तो 220mm का इसमें डिस्क ब्रेक है। ये जो आपको रिंग दिख रही है ये ABS रिंग है, तो ये ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम पे काम करती है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, इसके अंदर ABS होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसका मोनोसॉकर्स की बात करें तो ये जो सिस्टम है आपको, ये मोनोसॉकर है तो बहुत ही अच्छा शॉक ऑब्जर्वर है ये। तो इसका जो कूलेंट जो स्टोरेज है, जो कूलेंट का जो बॉक्स होता है वो यहाँ पे है, क्योंकि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो एकदम नीचे है। जो इसका इंजन है, इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 155cc का इंजन है इसका, और लिक्विड कूल्ड इंजन है, सिंगल सिलेंडर बाइक है ये, बहुत ही बढ़िया R15 लिखा हुआ है। तो ये जो ग्राफिक्स आपको दिख रहा है ये इसमें नया पैटर्न आया है। आगे वाले टायर की बात करें तो ये 100mm का टायर है, और MRF का सेम टायर है, ग्रिपिंग इसकी बहुत ही शानदार है, वाइब्रेक है, डिस्क ब्रेक है। आगे वाला जो डिस्क प्लेट है ये 280mm का डिस्क प्लेट है, और सेम ये ABS रिंग दिया हुआ है, तो यानी ये डुअल चैनल
ड्यूअल चैनल ABS है, फ्रंट और रियर बोथ, ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की। टैंक की बात करें तो टैंक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 11 लीटर की टैंक है ये, और एवरेज की बात करूँ तो 45 टू 50 का एवरेज बताती है कंपनी। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये सेम R1 का कॉपी किया है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स लुक देता है इसको। और यहाँ पे भी जो है ग्राफिक्स दिया हुआ है, देखिए R15 लिखा हुआ। गाड़ी की वेट की बात करूँ तो इसका जो कर्व वेट है वो 142 kg इसका टोटल वेट है विदाउट पेट्रोल। इसकी सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट 815 mm इसकी सीट हाइट है। क्लचेस की बात करें तो क्लच बहुत बढ़िया है, बहुत ही सॉफ्ट क्लच है, स्लीपर क्लच है, वेट मल्टीपल क्लच है। इसका हेड लैम्प है ये अप डाउन करने के लिए यहाँ पे, साथ में इसमें पास लाइट एक साथ इसमें एम्बेडेड है। ये इसका इंडिकेटर है लेफ्ट एंड राइट। ये इसका हॉर्न है, इंजन किल स्विच दे रखा है इसमें, ऑन ऑफ का है ये। और ये इसका स्टार्टर है, ये सेल्फ स्टार्ट है, इसमें किक नहीं है। मीटर और कंसोल की बात करें तो ये यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे जैसे जैसे आप गियर अप डाउन करते रहेंगे यहाँ पे शो करेगा आपको गियर। ये इसका ऑडोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर रन दिखाता है। ये एक्सेलरेशन मीटर है, ये स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल इंडिकेटर है, ये ABS इंडिकेटर है, ये न्यूट्रल इंडिकेटर है। यहाँ से आप ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, ये टाइमिंग भी शो कर रहा है। टाइमिंग इसकी अभी गड़बड़ है। ये टोटल किलोमीटर रन, ये एवरेज, ये जो आपको दिख रहा है सामने ये विंडशील्ड है, तो विंडशील्ड इसका बहुत ही बढ़िया दिया है। जो यमहा की R1 आती है सेम उसका कॉपी है ये, तो बहुत ही अच्छा चीज़ ये उसका कॉपी करके दिया है, तो बहुत ही बढ़िया लुक लगता है। तो आगे से कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। यहाँ पे भी ग्राफिक्स दे रखा है R15। सामने की हेडलाइट की बात करें तो ये जो है वो स्मॉल इंडिकेशन दे रखा है कि गाड़ी ऑन होती ही ये जलता है, ये इसका मेन लाइट है। गियर्स की बात करें तो इसमें क्या है, 6 गियर हैं। जैसे जैसे आप गियर अप डाउन करते हो यहाँ पे गियर इंडिकेट करता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। पे अभी न्यूट्रल हो रखा है, अभी मैं नंबर 1 गियर लगाता हूँ। ये देखो इंडिकेटर में जो इसका गियर इंडिकेटर है वहाँ भी 1 हो गया। अभी 2 नंबर लगाता हूँ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये लास्ट 1 6 हो गया। सॉकर्स की बात करें तो जो आगे वाला है टेलीस्कोपिक फॉर्क है, ये इन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फॉर्क बहुत ही अच्छा होता है। ये भी बढ़िया है, लेकिन इसमें क्या है कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है, इसमें देना चाहिए था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी बैटरी पावर। जो बैटरी है इसकी वो 12.4 वोल्ट की बैटरी आती है इसकी। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसका बैटरी कहाँ पे फिक्स होता है। ये फर्स्ट एड किट बॉक्स है इसका, कोई भी इंजरीज हो जाए या कोई नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले इसका आप यूज़ कर सकते हो बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल। और यहाँ पे जो बैटरी सेटअप है, ये यहाँ पे बैटरी सेटअप है, ये देखो यहाँ पे लिखा है इसमें रिचार्जेबल बैटरी है ये, 12.4 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है। तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की जगह है और स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगा हुआ है, तो छोटा मोटा कोई रिपेयर हो तो या कोई नट या कोई स्क्रू ढीला हो जाए तो आप इससे उसको टाइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इसका जो एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में वो 1,45,000 है, और अगर इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 1,69,000 पड़ेंगे, या अप्रोक्सीमेटली 170 मान लो। प्राइस में काफ़ी रेज हुआ है, लेकिन जो गाड़ी है वो बहुत ही बढ़िया है। इस बजट में ये गाड़ी सबसे बढ़िया है, 155 cc गाड़ी है। 150 से लेकर 160 और 180 के बीच में ये गाड़ी सबसे बेस्ट चॉइस है। तो आपको मैं इसका अब एग्जॉस्ट नॉट सुना देता हूँ, और यहाँ पे आप ध्यान दो कि मीटर पे कैसे वेलकम होता है। चाबी ऑन करते ही हाई बड्डी करके आता है,